हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SOL का सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक हमें देखने को मिलेगा। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2023 बैच में एडमिशन लिया है SOL के अंदर और जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी हाल ही में दिया है जुलाई में, इसलिए मैं जो बोल दिया कि जुलाई तक आपके पेपर कंडक्ट हुए हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये आ रहा है कि सर, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक देखने को मिलेंगे। अभी रिजल्ट की हम बात कर ही रहे तो काफ़ी स्टूडेंट हैं, इनके कमेंट भी आते कि सर, सिक्स सेमेस्टर का भी रिजल्ट निकाला जा रहा है तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, आपको ज़्यादा जानकारी फिलहाल तो नहीं है कि ये जो रिजल्ट आता है वो कब तक हमें देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी जो सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है फिलहाल अभी उसकी उम्मीदें थोड़ी सी कम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी सिक्स सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको निकाला जा रहा है और अभी भी SOL का सिक्स सेमेस्टर का जो BA प्रोग्राम का रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। तो यानी एक कोर्स का रिजल्ट अभी भी बचा हुआ है और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में वो भी रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। देन उसके बाद क्या सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा? जी नहीं, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा फोर्थ सेमेस्टर का। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो रिजल्ट निकाला जाता है वो ऐसे निकाला जाता है, पहले सिक्स सेमेस्टर का, फिर फोर्थ सेमेस्टर का, फिर सेकंड सेमेस्टर का, यानी आपको सबसे नीचे रखा जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमेशा रिजल्ट निकाला जाता है पहले सीनियर्स का ही निकाला जाता है। तो अभी सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट जैसे ही निकल जाएगा सारे रिजल्ट आ जाएंगे, देन उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा और देन उसी के एक दो दिन बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी आना शुरू हो जाएगा। जितना मुझे ध्यान में है, जितना आपको पता है कि जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो साथ में ही कंडक्ट हुए थे, उनके ज़्यादा डेट्स में डिफरेंस नहीं है, उनके एग्ज़ाम साथ में ही हुए थे, जिसकी वजह से जो डिक्लेयर होने की जो डेट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बट मैं एक्सपेक्टेड आपको बताया था इस महीने रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का देखने की उम्मीदें ना के बराबर है, तो इस महीने तो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या अगस्त के महीने में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो मेरा जवाब है जी हाँ, अगस्त के लास्ट वीक तक आपको जो रिजल्ट है वो सेकंड सेमेस्टर का देखने के कुछ कोर्सेज का आपको देखने को मिल सकता है, जिनके एग्ज़ाम पहले हो गए हैं, जिन कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम है। जैसे मान लीजिए BA ऑनर्स इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर का, उसमें बच्चे काफ़ी कम है तो उसका रिजल्ट आने के चांसेस है। BMS हो गया, BBA हो गया, है ना, तो इनके जो रिजल्ट है वो आने के चांसेस है क्योंकि इनके अंदर जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी कम है। अब वही बात की जाए जो SOL के जो बड़े बड़े कोर्सेज है सेकंड सेमेस्टर के, जैसे आपका BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स, तो इनके रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकते हैं क्योंकि आप सभी को ऐसा पता होगा सेकंड सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज के जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही शुरू हुए थे। अभी तो जुलाई चल रहा है, तो क्या जो जिन पेपरों के एग्ज़ाम जुलाई में हुए, जिन पेपर के एग्ज़ाम जुलाई में हुए, क्या उनके रिजल्ट हमें अगस्त तक देखने को मिलेंगे? तो मेरा जवाब है इसके चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगस्त में हमें उन कोर्सेज के रिजल्ट पहले देखने को मिलेंगे जिन कोर्सेज के एग्ज़ाम इस जुलाई से पहले ख़त्म हुए। जैसे मान लीजिए BA प्रोग्राम का रिजल्ट, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है इस रिजल्ट का, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, स्टूडेंट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसका रिजल्ट हमें पहले देखने को मिले। तो यानी एक्सपेक्टेड डेट ये रहेगी कि अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सेप्टेम्बर, यानी जो सेप्टेम्बर का महीना है वो आपके लिए रह सकता है। पूरा सेप्टेम्बर का महीना सेकेंड सेमेस्टर के लिए रहेगा, रिजल्ट निकालने के लिए रहेगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि सेप्टेम्बर एंड वीक तक सेकेंड सेमेस्टर के जो सारे रिजल्ट है वो आ जाएंगे, इतना तो कन्फर्म मैं आपको बता देता हूँ। बट वो चीज़ आपको समझनी होगी, अभी रेगुलर कोर्सेज का जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है फिलहाल तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जब तक रेगुलर कोर्सेज का नहीं आएगा तब तक SOL की थोड़ी सी उम्मीदें कम है, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय कोशिश ये करेगा कि फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट निकाले जाए। साथ ही साथ अगर किसी भी सेकेंड सेमेस्टर की कोर्स की प्रोसेसिंग अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसके भी रिजल्ट फोर्थ सेमेस्टर के साथ या एक से दो दिन बाद उनके भी निकाले जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगस्त के एंड वीक तक वेट करो, अगस्त के एंड वीक तक मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। अगर इससे पहले किसी भी कोर्स का रिजल्ट अगर आता है तो आपको अपडेट हम कर देंगे। बाकी तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, फिलहाल देखिए रिजल्ट तो आएगा बट जो मेन सब्जेक्ट है बड़े बड़े उनके रिजल्ट थोड़े डिले होंगे। BCom प्रोग्राम का जो तो रिजल्ट है वो डिले होने के पूरे चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसके एग्ज़ाम जुलाई में ही ख़त्म हुए, तो जो जुलाई में शुरू हुए जुलाई में ख़त्म हुए, तो आप खुद सोच लीजिए उनके रिजल्ट कितनी देर लग सकते हो। तो सेप्टेम्बर का महीना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर के ऑल रिजल्ट के लिए। तो अगस्त के एंड वीक से मिड ऑफ अगस्त या एंड वीक से ही ये कहानी शुरू होगी,
क्योंकि तब तक फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सिक्स सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो इसी महीने ख़त्म कर दिया जाएगा निकाल के, और देन फिर काम हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो आंसर शीट है उसको प्रोसेस करने का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी आपके सीनियर्स का जो रिजल्ट है उनको निकाला जा रहा है। तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और रही एडमिशन की बात, जब तक रिजल्ट नहीं तब तक एडमिशन नहीं, ठीक है? तो ये वीडियो एसएल के स्टूडेंट के लिए, अभी तो ना तो रेगुलर का आया ना ही आपका एनसीवेप का आया ना एसएल का आया।